डियर स्टूडेंट, आप सभी का SV की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 3, काश हम बड़े होते इस पाठ को पढ़ा था। इस पाठ को हमने पढ़ लिया था और इसके शब्दार्थ और इसके अभ्यास प्रश्नों में ये लेसन 3 था, काश हम बड़े होते लेसन को हमने पढ़ लिया था। इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों के अंदर मौखिक का 1 नंबर उच्चारण कीजिए और सोच समझकर बताइए। 2 क्वेश्चन हमने गृह कार्य के रूप में कर लिए थे। आज इसी कड़ी में हम इसके जो आगे के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुने और देखें और अपने गृह कार्य को पूरा करें। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, उच्चारण कीजिए, सोच समझकर बताइए। ये पीछे वाले वीडियो में करवा चुके थे इसके आंसर, आगे आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहे, कि पीछे वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया गया था, सोच समझकर बताइए। अब इससे आगे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये आज हम करने जा रहे हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तुम्हारी मम्मी का आया है, यानी बीच में डैश दे रखा है, तो फोन भाई चाचा, तो क्या आएगा इसमें? ये तुम्हारी मम्मी का क्या आया है, फोन आया है, भाई आया है, चाचा आया है, तो इसमें क्या आया, फोन आया है। तो सही आंसर होगा ए, फोन, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। तो पहले में ए, फोन। दूसरा है, चंदू की दुकान से 2 डैश डैश भी लेती आना, मिर्च गाजर नींबू। तो नींबू, यानी जब बंटी विचारों में खो जाता है, मतलब अर्थात वो खो जाता है नींद सोते समय, तो उधर से वो अपने आप में हैरान, जब उसकी आंख खुलती है मतलब हैरान हो जाता है कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ, तब वो मीनू कहता है कि हमें अब कोई टोका टाकी नहीं करे, न कोई होमवर्क होगा, न हमें कोई टोकेगा, ठीक है। अब देखो दादी जी वहाँ से आ रही है, मैं देखो कैसे उसको उनको काम लगवाता हूँ। तब वो कहता है कि आप चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेते हैं आना, तो इसका आंसर होगा नींबू। आंसर क्या होगा? नींबू, चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेती आना, यानी ये बात उसने दादी जी को कही थी। मैं तुम्हारी मनपसंद बना रही हूँ, बीच में डैश दिया हुआ है, खीर कढ़ी सब्जी। तो क्या बना रही हूँ? खीर। यानी जब बंटी और मीनू खेलने, बंटी मीनू के घर खेलने के लिए आता है, तो मीनू की मम्मी मीनू को कहती है कि जल्दी से अपना गृह कार्य पूरा कर लो, यानी बंटी के आने से पहले अपना गृह कार्य पूर्ण कर लो, ठीक है। गृह कार्य पूर्ण करो और गृह कार्य करने के बाद में आप दोनों, जो मैं खीर बना रही हूँ, तुम खीर खा लेना। तो इसके लिए खीर होगा, मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही हूँ। चलो अपने डैश डैश उठाओ और अपनी अलमारी में रखो, जूते कपड़े या खिलौने। चलो अपने जूते उठाओ या कपड़े उठाओ या खिलौने उठाओ, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या आएगा? तो सही आंसर आएगा खिलौने। जब उसकी बंटी खिलौने लेकर खेल रहा होता है, तो खिलौने उसके बिखेर देता है, तो उसको कहते हैं, वो बिना
खिलौनों को समेटे खेलने जा रहा था मीनू के घर पे, लेकिन उसकी मम्मी कहती है सबसे पहले तुम इसके खिलौनों को समेटो और इन्हें अलमारी में रखो। तो सही आंसर होगा खिलौने, सै सै नंबर पे टिक आएगा, इसका आंसर सही होगा खिलौने। चलो अपने खिलौने उठाओ और उन्हें अलमारी में रखो। अब है घर में कोई आ जाए तो क्या देखेंगे, बीच में डैश दिया हुआ है, मेहमान, सिपाही या कर्मचारी। तो बंटे की मम्मी कहती है जो खिलौने वो खिलौने से खेल रहा था और बिना खिलौने समेटे वो वहाँ से जा रहा था, तब उसकी बंटे की मम्मी ने कहा कि इन खिलौनों को समेट लो, अगर घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या सोचेगा कि इस घर को तो कबाड़ करना बना रखा है। तो तब उसकी मम्मी कहती है तो घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखे, तो मेहमान, तो इसमें मेहमान आएगा ए नंबर, ठीक है। तो पहले फिल्म में आया गया ए फोन, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, ए नंबर आंसर सही होगा। चंदू की दुकान से दो नींबू भी, इसका आंसर सै नंबर नींबू भी लेती आना। गे नंबर, मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही हूँ, गे का भी ए नंबर होगा खीर। चलो अपने खिलौने उठाओ और इन्हें अलमारी में रखो, तो गह का भी सह आंसर टिकट टिकआउट वाले में सह सही होगा। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखेंगे, तो इसका भी ए आंसर होगा। अब है सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब आपके सामने वर्क शब्द दे रखे हैं, होमवर्क, कबाड़ खाना, टोका टाकी, अत्याचार, चियुंगम। कुछ शब्दों पर मैंने ये एक कबाड़ खाना पे अड़ाया नंबर डाला हुआ है, टोका टाकी पे नहीं लिखा है, भूल गया था, किसी भूलवश रह गया, और अत्याचार पर गए और गए, लेकिन मैंने फिलअप में इनको पूरा पूर्ण कर दिया है। तो देखो बंटी के आने से पहले पूरा कर लो, क्या कर लो, होमवर्क, यानी बंटी के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो। तो होमवर्क आता है कह में क्या आएगा, होमवर्क पहला ही ऑप्शन होमवर्क आएगा। अब ना कोई होमवर्क, ना कोई टोका टाकी, तो खे में टोका टाकी। अब बंटी और मीनू जब बड़े हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि ना ना तो कोई होमवर्क होगा और ना ही हमें कोई टोकने वाला होगा, जब वो बड़े होने का सपना देखता है बंटी और मीनू, यानी बंटी जब वो सो जाता है तो सोते सोते विचारों में खो जाता है और वो अपने आप को बड़ा पाता है, तो तब वो कहता है कि अब ना कोई होमवर्क होगा। वो मीनू से बात करता है कि हाँ मज़ा आ गया, अब हम बड़े हो गए हैं, ना कोई अब होमवर्क होगा, ना ही हमें कोई टोका टाकी होगा। तो इसमें टोका टाकी आएगा। अब मेरे बालों में चियुंगम अभी तो कंघी करके, मेरे बालों में चियुंगम लगी, अभी तो मैं कंघी करके आई हूँ, तो चियुंगम, ठीक है, मेरे बालों में चियुंगम अभी तो कंघी करके आई हूँ, तो चियुंगम आएगा इस फिल्म में, चियुंगम। यानी मीनू बड़ी हो जाती है तो उसको चाचा जी होते हैं, वो चाचा जी हाथ में इस मुंह में चियुंगम है तो दांतों में चॉकलेट होती है, और तो चाचा जी इस खेल खेल में उसके बालों में चुंगम लगा देते हैं, तो वो कहता है मज़ा आ गया, क्योंकि चाचा जी छोटे हो जाते हैं ना, तो उसके हिसाब से मीनू बड़ी होती है, तो वो कहती है कि उस चाचा जी उसको चुंगम लगा देते, तो वो कहती है कि मैं अभी अपने बालों में कंघी करके आई हूँ, लेकिन उन्होंने चुंगम लगा दिया, यानी हे भगवान मेरे बालों में चुंगम, यानी उसने चुंगम लगा दी, तो अभी मैं कंघी करके आई हूँ, ये बात मीनू ने कही थी। तो मेरे बालों में चुंगम, इस फिल्म में चुंगम आएगा। अब है हमें कब इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी, यानी मीनू और बंटी आपस में बातचीत करते हैं कि हमें कब इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। अत्याचार आएगा, अत्याचार, घह में ये वाला जो अत्याचार दिखाई है, घह में फिल्म में आएगा। पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है, यानी जब बंटी खिलौने लेकर खेल रहा होता है और खिलौने इधर उधर बिखेरे हुए रखता है,
लेकिन वो निस्मेटता नहीं है, उससे पहले खेलने चला जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है पहले खिलौने समेटो, वो समेटने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है कि मैं बार बार इनको समेटने में समेट समेट कर तंग हो गया हूँ। तो इस स्थिति में वो परेशान हो जाता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि पूरे घर को कबाड़खाना बना रखा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। जो गलत है उसके सामने क्रॉस का चिन्ह और सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, बंटी ने दादाजी को बाजार से नींबू लाने को कहा। तो बंटी ने दादाजी को बाजार से नींबू लाने को कहा था। प्रिय बच्चों आप बताओ ये सही होगा या गलत? दादाजी को कहा था या दादी जी को कहा था? उसने दादी जी को कहा था, तो इसके आधार पर ये कथन क्या है? गलत है। इसके सामने क्रॉस का चिन्ह आएगा। तो पहला क्रॉस हो गया। दूसरा है, बंटी और मीनू अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान थे। बंटी और मीनू अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान थे, ये इसके सामने क्रॉस का चिन्ह आएगा। क्रॉस, तो इसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। पहले में क्रॉस, दूसरे में भी क्रॉस। अब आगे नेक्स्ट, बंटी की मम्मी ने खिलौनों को अलमारी में रखने को कहा। बंटी की मम्मी ने खिलौनों को अलमारी में रखने को कहा था या नहीं कहा था? कहा था। तो ये कथन क्या है? सही है। ये कथन के सामने सही का चिन्ह आएगा, सही होगा। बंटी मीनू के घर खाना खाने गया था क्या? नहीं, खाना खाने नहीं, खेलने गया था। खेलने। मीनू की मम्मी ने खीर बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। तो ये भी कथन सही हो गया। तो गै नंबर कथन सही है, इसके सामने सही का चिन्ह आएगा। इसके सामने सही, ये सही वाला कथन होगा। बंटी मीनू के घर खाना खाने गया, नहीं ये गलत है, खेलने गया था। और मीनू की मम्मी ने खीर बनाई, बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, ये सही हो गया। ठीक है, तो इसमें गै सही, गै गलत और अड़ सही। अब उसके बाद में चौथे का क्या प्रश्न, एक ही प्रश्न करेंगे चौथे का क्या आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे। आज के लिए वर्क आपको इतना ही देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बंटी किसके घर गया और क्यों? बंटी किसके घर गया था? बंटी मीनू के घर और क्यों गया? खेलने के लिए। मीनू के घर और खेलने के लिए। बंटी किसके घर गया और क्यों? मीनू के घर और खेलने के लिए। तो प्रिय बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर लिखित में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पूरे कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।